हाल ही में गूगल प्ले स्टोर से 24 ऐप्स को हटाया गया है। उन ऐप्स को हटाया क्यों गया, उसके रीजंस क्या हैं, सारे रीजंस आज की वीडियो में हम समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीओ कंप्यूटर एंड टेक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन ऐप्स को हटाया क्यों गया, जो भी ऐप्स थे ये सारे ऐप्स मालवेयर से भरे हुए थे। आपके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके, आपके डेटा को कलेक्ट करके चाइना को भेजती थी। इट मीन्स कि ये जो सारे ऐप्स हैं, इन सारे ऐप्स को गूगल प्ले मार्केट में बहुत से अलग अलग डेवलपर्स अकाउंट के थ्रू चलाया जा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सारे जो भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको लगता है कि ये वर्क कर रही है, बट ये वर्क करती नहीं है, ये एक्चुअली में कुछ और ही काम करती हैं। आपका डेटा इकट्ठा करके चाइना के सर्वर पर भेजती है, यानी कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी चीज़ें लीक हो रही हैं। और सबसे खास बात अगर हम बात करें इन ऐप्स की डाउनलोडिंग की, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में इनकी डाउनलोडिंग हुई है। और अगर सारे ऐप यानी कि जो 24 ऐप्स को हटाया गया है, इन सारे ऐप्स की डाउनलोडिंग की बात करें तो इनकी डाउनलोडिंग की टोटल कैलकुलेशन लगभग हो गई 38 करोड़ 20 लाख के बीच में। तो इनकी डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा है। तो कोई एक ऐसा ऐप भी हो सकता है जो आपके भी मोबाइल में अवेलेबल होगा, तो अगर इनमें से कोई भी ऐप अगर आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो उसे फटाफट अनइंस्टॉल कर दें, अपने मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट कर दें। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इन सारे ऐप्स की डिटेल्स अभी आपके सामने होगी, और इनमें से कोई भी ऐप अगर आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो उसे अभी के अभी देखते ही अनइंस्टॉल करें, डिलीट करें।